Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज़ पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। सूत्रों के मुताबिक आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के यहाँ भी रेड चल रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपनी कैबिनेट सहयोगियों और अन्य अधिकारियों के साथ आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे। वाराणसी में श्रद्धालु ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने पहुंचे। परिसर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर आज सुनवाई करेगा। दिल्ली में आज से स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बदल गया है। मंगलवार से पहले की तरह ही सामान्य समय पर दिल्ली के सभी स्कूल खुलेंगे। मौसम में सुधार और ठंड में कमी के चलते शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार आज राज्य विधानसभा में UCC विधेयक पेश करेगी। AFP के रिपोर्ट के अनुसार जिले में भीषण जंगल की आग के कम 122 पीड़ितों के लिए 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक शुरू हुआ है, जबकि लापता लोगों और जीवित बचे लोगों की तलाश जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे और 1,350 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के स्थायी परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने मुस्लिम परिवार में बच्चे के गोद लेने और संपत्ति पर उसके अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुना है। बंटवारे के एक मुकदमे को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति शरीयत अधिनियम के तहत घोषणा किए बिना बच्चे को गोद ले सकता है और उस बच्चे का संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। महाराष्ट्र में नवी मुंबई के शिराव ने MRDC में एक बहुमंजिला इमारत के 27वें फ्लोर पर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए लड़ रहे शिवपा संगठन के नेता मनोज जरांगी पाटिल ने कहा है कि वह 10 फरवरी से भूख हड़ताल पर जाएंगे। मीडिया के सामने अपनी मांगों को दोहराते हुए जरांगी पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार 27 जनवरी को उन्हें दिए गए मसौदे पर अपने वादों को तुरंत लागू करे और मराठों को आरक्षण देने पर काम शुरू करे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के संस्थापक शरद पवार पर उनकी आयु की ओर इशारा करते हुए परोक्ष रूप से कटाक्ष किया और आखिरी चुनाव की भावनात्मक अपील की बात की। शेयर बाजार में आज ऑटो और IT शेयरों की हलचल के दम पर बाजार की ओपनिंग अच्छी तेजी के साथ हुई है। बाजार के टॉप गेनर्स में भारतीय एयरटेल 3% के करीब चढ़कर खुला है और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.25% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। घरेलू शेयर बाजार की ओपनिंग में BSE का सेंसेक्स 239.40 अंकों या 0.33% की उछाल के साथ 71,970 पर खुला है। इसके साथ ही NSE का निफ्टी 53.50 अंकों या 0.25% की तेजी के साथ 21,825 के लेवल पर ओपन हुआ है। विशाखापट्टनम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर टेस्ट सीरीज में वापसी कर ली है। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 106 रनों से हराया और इस जीत के स्टार साबित हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मैच में 9 विकेट हासिल करते हुए इंग्लैंड की हार तय की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने संसद में भारतीय सैनिकों के खिलाफ सरकार का रुख साफ किया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार 10 मई तक मालदीव से अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लेगी। मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच के विवाद का मुद्दा बनी हुई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान CGI बेहद नाराज दिखे। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? ये लोकतंत्र के साथ मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है, इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे 107 दिन बिग बॉस 17 में बिताकर अपने घर आई है, लेकिन इसके बीच उन्हें एक दुखद खबर से गुजरना पड़ गया है। उनके पेट डॉग स्कॉच का निधन हो गया है। ये कुत्ता उन्हें बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने ही गिफ्ट किया था। अंकिता ने स्कॉच की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है।
बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर को रिलीज हुए अब 2 हफ्ता होने जा रहा है और फिल्म ने धीरे धीरे 200 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। फिल्म काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है और वीकेंड में इस फिल्म ने खूब मुनाफा कमाया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव सामने हैं और मोदी जी की पार्टी हारने वाली है। उन्होंने ईडी और सीबीआई को काम पर लगा दिया है, लेकिन न कांग्रेस जीतने वाली है और न हारने वाली है, हम डटकर मुकाबला करेंगे। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम पर आरबीआई के बैन के बाद से ये खबर चर्चा में है कि मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उसे खरीद सकती है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबिज न्यूज। नमस्कार।